तुम तो कमाल हो यार। मैंने अपनी लाइफ में किसी को इतना अच्छा गाते हुए नहीं सुना। तुम्हें तो सिंगर होना चाहिए। सब कुछ जो इंसान चाहता है मिलता कहाँ है यार। क्यों, मुझे तो लगता है कि जो कुछ भी इंसान रियल में चाहता है एक्चुअल में उसको लाइफ में वही मिलता है। यू नो, एक टाइम था जब मैं रियल में चाहता था एक्चुअल में। म्यूजिक से बड़ा पैशन नहीं था मेरी लाइफ। लाइफ खत्म हो चुकी है तुम्हारी। बात ऐसे करो जैसे मर चुके हो। खत्म तो नहीं हुई है पर म्यूजिक अब नहीं हो सकता यार। क्यों, क्यों नहीं हो सकता है? ऐसी क्या मजबूरी है बता मुझे। ओ गॉड, ओहो मत बताओ, ठीक है, मगर फिर से एंग्री यंग मैन मत बन जाओ प्लीज। हाँ ओके। मैं ही बात शुरू करती हूँ। ऑफ कोर्स। पानी अच्छा है ना? हाँ। तुमने पहले कभी ऐसी लेक में जंप किया है? गीता, आई थिंक हम लोगों को उतरना चाहिए। ट्राई करना चाहिए, बहुत मजा आएगा। एक सेकंड, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुमने कभी किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया? ओह शट अप यार। नहीं, तुम्हें जरूरत है गीत। बकवास बंद करो, लेट्स गो। अच्छा गीत, रिलैक्स, जस्ट लिसन टू मी, यू नो। सोचो, ऐसा काम करने का मौका शायद फिर कभी ना मिले। अरे ऐसा काम करना ही नहीं है यार, तुम्हारा पागल हो गई हो क्या? तुमने बचपन में ट्राई किया है ना, बड़ा मजा आया था, अब पागलपन ट्राई। अरे गीत रिलैक्स, अरे लिसन टू मी। अरे मजा आया ना? You need a psychiatrist. इधर देखना मत। हाँ हाँ हाँ। धर्मराज कश्यप का नाम सुना है? The industrialist, of course, जो मर गया last year. क्यों? मैं उनका बेटा हूँ। तुम आदित्य कश्यप हो? यप, नाउ यू नो मी। यू आदित्य कश्यप, वो तुम्हारी माँ थी जो किसी और के साथ भाग गई थी? सॉरी। हाँ, वो मेरी माँ थी जो किसी और के साथ भाग गई थी। वो यार न्यूज़ व्यूज़ में इसी तरह के लैंग्वेज में सुना था, वैसे ही निकल गया। आई एम रियली सॉरी, रियली रियली। नो गीत, मुझे सुनना होगा तुम सॉरी क्यों कह रही हो। अगर किसी की माँ इतनी चीप हो सकती है, इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है तो मिस्टर कश्यप, आपको उनके बारे में इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? उस औरत ने मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिंदगी भर के लिए मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, तो क्यों ना मैं करूं बदतमीजी से बात? क्योंकि वो प्यार में थी। प्यार? Are you serious? देखो, वो तुम्हारी माँ है, उनके बारे में ऐसी बातें समझना मुश्किल है, मगर जब कोई प्यार में होता है तो कोई सही गलत नहीं होता। किसने कहा तुमसे ये सब? हाँ, किस घटिया नॉवल में पढ़ी तुमने ये सारी लाइंस? सब कहते हैं ऑल इज मैरिड लव। झूठ कहते हैं सब, इट्स ऑल बुलशिट, समझी तुम? सुनो, तुम तो बहुत ही अमीर निकले यार। मेरी बहन के साथ भाग जाओ ना, हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। तू ओरिजिनल पीस है, मालूम है ना तुझे, ऐसा दूसरा नहीं है। अमरीक, आगे आगे, गीता गीता जी। सो क्या प्लान है? देखता हूँ। तुम मेरे साथ अंदर चलो। नहीं 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 गीत, मैं चलता हूँ। कहाँ जाओगे? I'll be okay, don't worry. नहीं, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती। चलो। गीत रेडी? I gotta go. देखो मेरी फैमिली आ गई है, इनके सामने सीन मत क्रिएट करना। तुम कुछ देर आ रहे हो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, उसके बाद तुम चले जाना। चलो गीत। हाय मॉम।
और गीत और भाई ये हॉस्टल वाले हमारी भतीजी का कुछ खाने पीने को जा रहे हैं, कितनी दुबली हो गई है, है? कैसी है? आओ जी आओ, जी आओ ना, आ जाओ आ जाओ। दारजी तेरी पहना दारजी। मुंडा कौन है जी? मेरा फ्रेंड है दारजी। किस तरह का फ्रेंड है? वैसी कोई बात नहीं है दारजी। कैसी बात नहीं, मतलब बस फ्रेंड है। तो फिर घर क्यों लाई हो? वो तो ऐसा है दारजी कि घर ये लाया है मुझे, मेरी ना ट्रेन छूट गई थी एक स्टेशन पर रात को। अगर ये नहीं होता, आपको तो पता है अकेली लड़की खुली हुई तिजोरी की तरह होती है, मैं तो जानती भी नहीं थी इसे, ट्रेन पे ही मिले थे हम लोग। फिर भी ये मेरे साथ 1000 किलोमीटर आया है भटिंडा मुझे सेफली घर पहुंचाने को। और तो कोई दोस्त ही नहीं है ना, क्योंकि मेरी उम्र में एक झलक में पता चल जाता है कि लड़के लड़की के बीच क्या हो रहा है। दारजी प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। शर्मिंदा? अगर शर्म होती तेरे अंदर तो तू ऐसे कपड़े पहनती, ऐसे कपड़े पहनकर घर आई है तो मुंबई में तो नंगी घूमती होगी। नाम क्या है? अब जी आदित्य। आदित्य क्या? आदित्य कुमार। काम क्या करते हो? जी मैं म्यूजिक का काम करता हूँ। हम तुम्हारे कर्जदार हैं पुत्र, अब तुम्हें 1 हफ्ता यहीं रहना होगा हमारे साथ, ताकि हम तेरा शुक्रिया अच्छे ढंग से अदा कर सकें। वह गुरु की मेहर हो तुझ पर। बंबई वाले कुछ खाते नहीं है यार। अरे बस 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 प्लीज प्लीज, मेरा पेट फट जाएगा प्लीज। क्या नॉनसेंस है, कभी सुना कि इसका पेट फट गया? और क्या, इनफिनाइट इलास्टिक के बने होते हैं पेट। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। अरे जी 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 प्लीज मत चला। अरे आप लोगों ने लस्सी नहीं पिलाई? ले पंजाब आया थे, किसी ने इन्हें लस्सी नहीं पिलाई? मैं लाती हूं। अरे अरे क्या कर रहे हो भाई? अंदर आ जा। बहन को बचाया, सोने का सबके आपके लिए। ओए यार बहुत बड़ी गलती हो गई, तेरी बहन को बचाया, आज के बाद किसी की बहन के साथ ऐसा नहीं करूंगा। पुत्र जी तुझे चलो, मैं आपके लिए नाइट के कपड़े लेकर आता हूं। ओ गॉड यार, अरे कैसे तो मैं मर जाऊंगा यार। अरे यार कुछ नहीं होता, आ जाओ ना। अरे तू समझता नहीं है यार, मेरा पेट फट जाएगा यार। तुम देखो गेस्ट रूम खुला है। अरे क्या हुआ? बड़ा पंगा हो गया यार। अब क्या हुआ? मैंने तुझे बताया था ना कि यहाँ पर अंशुमन के पास कोई नहीं जाता। अरे और मत। गीत क्या करे? अच्छा हुआ तू आ गई। आदित्य ये है मेरी बहन रूप, रूप ये है आदित्य, तुझे इसके साथ भागकर शादी करनी है। गीत बोलने से पहले 1 सेकंड सोच तो लिया कर। और ये तू अंदर क्या कर रही थी? ओहो पजेसिव, अभी से ही जलन हो रही है क्या? घबरा मत, हम वो नहीं कर रहे थे। ये जो है ना वन वुमन मैन है, तेरे साथ फेथफुल रहेगा। रूम खुला है। तो ले जाना, यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है, जा। अच्छा सुनो, तू उधर देख, सीक्रेट है। कल सुबह बहुत जल्दी उठना, घर के पीछे खेत पर एक पुराना ट्रैक्टर है, वहां मिलेंगे। क्यों? बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। वारी जावा सोनियो, आज तुम्हारा रंग तंग क्यों ना कमाल दा है? हुणे तू वेख्या ही नहीं है कुछ, अगे अगे तू देख मेरे रंग हैं, एते कमाल है। तू तो वड़ी चंगी पंजाबी बोलदा है। ए भी मेरा एक रंग है। तू कित्थे सीखी इनी वधिया पंजाबी बोलनी? ओ जी साडी तेरी मॉम पंजाबी थी। अरे हाँ, तो तुम पंजाबी में क्यों नहीं बात करते हो? ऐसे करनी चाहिए, पता है तुमने मुझे चिट चैट करने के लिए सुबह 5 बजे उठाया। अरे नहीं, बड़ा पंगा हो गया है। क्या हुआ? मंजीत आ रहा है। अभी साला मंजीत कौन है? मंजीत मान, ये लोग कुछ साल पहले ना पटियाला शिफ्ट कर गए थे,
दारजी और बाकी लोगों ने मेरी शादी मंजीत के साथ फिक्स करा दी है और वो लोग आज आ रहे हैं मुझे देखने। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, तुमसे पूछा नहीं जाएगा, ऐसी शादी हो जाएगी। एक्चुअली कहानी में ट्विस्ट है। शुरू करो। ये जो मांस है ना, हमारे बड़े पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं। मंजीत और मैं बचपन से ही साथ रहे हैं। सब कहते थे कि जब दोनों बड़े हो जाएंगे ना तो इनकी शादी करा देंगे। मुझे बड़ा मजा आता था ये सोचकर कि मेरी शादी मंजीत से होगी। घर घर खेलने में मैं कभी रूप को मंजीत की वाइफ नहीं बने देती थी। 8 साल की उम्र में मंजीत और हम हाथ पकड़कर इस ट्रैक्टर पे खड़े होते थे कि जी उस खेत के परे हम अपना घर बनाएंगे। फिर मैं बड़ी हो गई और इस मंजीत के एपिसोड को ऐसे जोक लेने लगी, पर कल मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स बड़े हुए ही नहीं, वो सीरियस हैं, सब सीरियस है और मेरी बैंड बज गई। तो अब मैं तो भाग रही हूँ। अरे यार, तू छूटते ही भागने की बात करती है, ऐसा सोचना भी मत। बहुत घटिया चीज होती है ये भाग जाना, इसमें हजार तरह के रिस्क होते हैं और प्रॉब्लम्स होते हैं। और कोई ऑप्शन नहीं है? हजार ऑप्शन हैं यार। जैसे? जैसे तू अपने पेरेंट्स को, क्या नाम है वो, अंशुमन के बारे में बता देना। वो नहीं मानेंगे, उल्टा इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझे यहाँ फंसा लेंगे। बैड ऑप्शन। देख, अगर तू अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकती तो छोड़ दे अंशुमन। नेक्स्ट ऑप्शन, शादी मत कर किसी से भी। नेक्स्ट, मंजीत और रूप की शादी करा दे। नेक्स्ट, कोर्ट में प्रूफ कर दे कि मंजीत इंपोर्टेंट है। वो इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, तुझे कैसे पता? एक सेकंड, मंजीत इंपोर्टेंट नहीं है ये तुझे कैसे पता? पता चल जाता है कहीं तेरा और उसका। नेक्स्ट, उसने तुझे बताया कि उसने किसी के साथ? नेक्स्ट।